नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा द मायास हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, क्या आप भी हैं पेट से संबंधित समस्या से परेशान, यानी कि पेट के किसी भी प्रकार के रोग को दूर करना चाहते हैं, भूख बढ़ाना चाहते हैं, आपको भूख बहुत ही ज़्यादा कम लगती है, बदहजमी की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी रामबाण औषधि, एक ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे कि आप घर बैठे ही अपने पेट के सभी प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं, भूख को इंक्रीज कर सकते हैं, बदहजमी को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं अगला वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो, यानी कि बदहजमी को दूर करने का, यानी कि भूख को बढ़ाने का चमत्कारी घरेलू उपाय। कौन सा उपाय अपन अपना सकते हैं जिससे कि अपनी भूख इंक्रीज होने लगे, बदहजमी की समस्या पूरी तरीके से दूर हो सके। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, हालांकि भूख बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक से आपको बदहजमी हो जाए, अचानक से आपको पेट से संबंधित समस्या होने लगे, तो अपन क्या करें जिससे कि अपनी भूख भी बढ़ने लग जाए और अपनी बदहजमी भी दूर हो। इमली की पत्ती आसानी से मार्केट में इजीली तरीके से मिल जाएगी। इमली की पत्ती को अच्छी तरीके से पीस कर उसकी चटनी बना लें, फिर उसको खाने से आपकी जो बदहजमी है वो भी दूर होगी, डाइजेशन भी मजबूत बना रहेगा, एकदम हेल्थी बना रहेगा और आपकी ये भूख को भी बढ़ाने में मदद करेगा, पेट के रोगों को दूर करने का काम करेगा। सो ये है इमली की पत्ती, मार्केट में इजीली तरीके से मिल जाएगी, इसकी चटनी बनाकर इसका आप नियमित रूप से सेवन करें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई औषधि के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप और कोई प्रोडक्ट और कोई औषधि के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए टाइम अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।